हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, गले से बुनी गई स्वेटर है। ऊपर गले से हमने इसको बनाना स्टार्ट करा है और नीचे तक हम इसको बनाते हुए आए हैं। तो गले पे हमने इसमें फंदे डाल के, जो भी आप डिजाइनर फंदे या प्लेन फंदे जो भी आप डालना चाहते हो, आप गले से इसको यहाँ पे डाल लीजिए। और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप पे जालियाँ डालना और फंदे डिवाइड करना, बटन पट्टी सारा मैंने इसमें बता रखा है, कितने कितने फंदे रखने हैं और लेंथ इसकी कितनी रखनी है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बनाया है। ये देखिए, पांच जालियाँ बनाई, फिर दो इसमें बनाई, फिर पांच बनाई, फिर दो बनाई, फिर पांच बनाई, फिर दो बनाई, यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। इसके बाद हमने फिर ऐसे ही बनाया है। ये स्वेटर 1 साल से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज इन दो कलर से हम बेबी के लिए स्वेटर बनाएंगे। गले से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस कलर से हम गला, गले की पट्टी और बाजू का आगे वाला हिस्सा और नीचे स्वेटर ये वाला, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए, गला इससे बनाएंगे हम और इस पे हमने 85 फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 61 फंदे डाले थे, सॉरी 63। फिर तीसरी सिलाई पे यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाए, फिर हमारे 7 फंदे, तो हमारे 70 फंदे हो गए। उसके बाद हमने दो धारियाँ बनाने के बाद, इस धारी से पहले यहाँ पे एक धारी बनने से पहले उल्टी सिलाई पे यहाँ पे 15 फंदे बढ़ाए, तो हमारे पास ये 85 फंदे हो गए। अब देखिए, उल्टी सिलाई पे हैं हम, तो हम दूसरा कलर भी यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, सिर्फ बटन पट्टी ही हम इस वाले कलर से बनाएंगे। तो देखिए कैसे, 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमने इस कलर से बना लिए। अब हम ये वाला कलर यहाँ पे जॉइंट करेंगे। और अगले लास्ट तक 7 फंदे बचने तक हम इसी कलर से पूरी सिलाई बना देंगे। यहाँ पे भी हम 7 फंदे अब पर्पल कलर से बनाएंगे और बीच के पूरी सिलाई हम इस कलर से बना देंगे यहाँ पे। तो ये पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ और लास्ट में दिखाती हूँ फिर आपको। अब देखिए, पूरी सिलाई बना ली, तो इस साइड भी हम ये दूसरा गोला यहाँ पे जॉइंट करेंगे। सिर्फ आधी बटन पट्टी बनाएंगे हम और नीचे वाला हिस्सा, जब तक हमारा ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं हो जाता बेबी की स्वेटर का, तब तक ही हम बटन पट्टी बनाएंगे यहाँ पे, और बाकी फिर नीचे वाली हम बटन पट्टी बंद कर देंगे। तो मैं आपको बनाना बताऊँगी कैसे हम बटन पट्टी बंद करेंगे। देखिए, 7 फंदे अगले हम ये 7 फंदे हम फिर पर्पल बना देंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस पे 2 गोले आप छोटे छोटे ऐसे लगा लीजिए दोनों साइड। अब देखिए, अब हम आगे सीधी सिलाई पे, तो यहाँ पे हम फंदे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 7 फंदे तो हम ये बटन पट्टी के ही पर्पल ही बनाएंगे। 3 4 5 6 7, अब धागा पीछे करेंगे और देखिए 10 फंदे अब हम एक फ्रंट पार्ट के लिए रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अभी इस एक फंदे पे हम दोनों साइड जालियां बनाएंगे। देखिए, ये मैं आसान तरीका बता रही हूँ आपको बिगनर के लिए। फिर हमने इस फंदे पे दोनों साइड जाली बनाई और 10 फंदे हम बाजू के बनाएंगे। 1 6 7 8 9 10, अब इस फंदे पे हम दोनों साइड फिर जाली बनाएंगे। जाली बनाई, एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई। अब बैक पार्ट के हम 27 फंदे ऐसे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9
दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, तो मैं 27 फंदे बना लेती हूँ। ये बैक पार्ट के 27 फंदे बना लिए, फिर जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा, फिर जाली और 10 फंदे हम बाजू के। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई और 10 फंदे फिर हम फ्रंट पार्ट के। पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस करिएगा और इस वाले धागे को आगे लेके आइएगा, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया और जाली नहीं बनेगी। और ये 7 फंदे अब हम वैसे, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम 5 जालियाँ इस कलर से बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद 2 धारियाँ हम ऐसे उल्टी उल्टी 5 जालियों के बाद बनाएंगे। पर हमने यहाँ पे जो जालियाँ बनाई हैं वो हम उन उल्टी उल्टी सिलाइयों पे भी जालियाँ बनाते जाएंगे, जो हम बीच में इस कलर का देंगे। ये देखिए, ये बना लेंगे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर अगली एक बार फिर दिखाऊंगी मैं जाली बनाना आपको। उल्टी सिलाई देखिए, 7 फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। फिर हमने धागा ऐसे क्रॉस करा और ये ऐसे, और पूरी सिलाई अब लास्ट तक ऐसे बना देंगे। लास्ट में भी हम दूसरे कलर से बनाएंगे फिर आगे वाली बटन पट्टी। तो ये बना लेती हूँ मैं पूरी सिलाई, फिर अगली पे एक बार फिर दिखाती हूँ। अब फिर से देखिए एक बार, तो ये 7 फंदों पे हमने यहाँ पे बटन पट्टी बना ली है, 1, 2, 3 धारियों के बाद। अब 10 धारियाँ बनाएंगे, फिर हम बटन पट्टी बनाएंगे, तो बटन ये बटन होल बनाएंगे। तो मैंने आपको बता रखा है, जाली बनाएंगे और 2 का एक कर देंगे तो हमारा बटन होल बन जाएगा। तो 7 फंदे हमने बना लिए, धागा पीछे करा, इसको ऐसे क्रॉस करा। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक फंदा बढ़ गया तो इसको हम 11। अब इस फंदे पे हमने दोनों साइड जालियाँ बनानी है। एक जाली बनाई, फिर एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, और अगले अब बाजू पे हमारे एक साइड यहाँ फंदा बढ़ेगा, एक यहाँ पे, तो 10 थे तो बाजू पे हमारे 12 हो जाएंगे और यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे एक ही जाली से बढ़ा। तो ऐसे आप हर एक 5 जालियाँ बना लीजिए। 5 जालियाँ बनाने के बाद ये जो हमने गले पे कलर लगाया है, इसकी हम 2 धारियाँ बनाएंगे। फिर हमने 5 जालियाँ बनानी है, फिर हमने 2 धारियाँ, पर उन 2 धारियों में भी हमने ये जो जाली बना रहे हैं हम सीधी, इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे और ये उल्टा उल्टा बनाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास ये 19 जालियाँ हो जाएंगी। पहले 5, 5, 10 और 2 धारियों पे 11, 12, तो 19 या 20 जालियाँ आप बना लीजिए। इस तरीके से फिर इसकी लेंथ आगे तक कंप्लीट हो जाएगी। 2 हमारी ये बन गई जालियाँ। 5 ये बनाएंगे, फिर 2 धारियाँ बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे, फिर 2 धारियाँ बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे। ऐसे आप बनाते जाइए, फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ हमने ये चेंज करना है और बाकी बीच में हमने ये बनाते जाना है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बना लिया इस तरीके से। देखिए 20 जालियाँ बनाई हैं मैंने इसमें, 5, 6, 7 और 5। 5, 10 ये हो गई, 15, 16, 17, 18, 19 और एक जाली हमने इस पे बनाई है यहाँ पे 20। अब देखिए, अब हमने फंदे डिवाइड करने हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए ये हमने सिर्फ उल्टा उल्टा दिया है, बाकी वैसे बना दिया है। अब देखिए, अब हमने ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा है, जाली वाला जिस पे हम जालियाँ बना रहे थे, ये हम फ्रंट साइड में लेंगे और जो बाजू वाले फंदे हैं इनको अलग करेंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों इकट्ठे करेंगे, दोनों बाजू ही सिर्फ हम अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी तो हम बना देंगे 7 फंदे इसी कलर के।
अब देखिए, अब इस कलर से बनाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 फंदे हमने कर दिए फ्रंट पार्ट में। अब हमने ये जो हमारा यहाँ से लेके, देखिए ये जो सेंटर वाला जाली वाला फंदा है, इसको हम बैक पार्ट में लेंगे और सिर्फ यहाँ तक जाली से पहले, ये इस बीच वाले फंदे से पहले जो जाली है वहाँ तक हमें बाजू के फंदे दूसरी सिलाई पे निकालेंगे। दूसरी सिलाई ले लीजिए और इसको ऐसे यहाँ पे होल्ड कर दीजिए और दूसरी सिलाई से अब हम ये फंदे बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारे बाजू वाले फंदे हैं इनको हम 48 हैं शायद, तो इनको हम इस पे उतार लेंगे ऐसे, 1, 3, 4, 5, 6, तो मैं उतार लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कितने हैं। अब देखिए फ्रेंड, 48 फंदे हमने इस वाली सिलाई पे उतार लिए हैं। अब ये जो हमारी राउंड वाली नीडल है, अगर आपके पास राउंड वाली नहीं है तो ये जो फंदे हैं या अलग सिलाई पे उतार लीजिए फ्रंट पार्ट के, फिर बैक पे, फिर दूसरी सिलाई पे, ये बाजू वाले दूसरी सिलाई पे, फिर बैक वाले दूसरी पे, इस तरीके से भी बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने ये राउंड वाली नीडल ही लेनी है। अब बैक पार्ट के फंदे हम ऐसे फ्रंट और बैक इकट्ठे कर देंगे, तो ये देखिए ऐसे 3 यहाँ से लेके, और ये जो सेंटर वाला जाली वाले से बाद का फंदा है, जो सेंटर वाला दोनों साइड जिसकी जालियाँ हैं, यहाँ सेंटर तक बैक पार्ट में हम उतार लेंगे। तो ये मैं सारे फंदे उतार लेती हूँ फिर काउंट करके बताती हूँ कितने हैं हमारे पास। अब देखिए 47 फंदे हैं, ये सॉरी 67 फंदे हैं बैक पार्ट के, तो ये हमने इस पे उतार लिए। अब बाजू के फंदे हम फिर से अलग सिलाई पे यहाँ पे 48 उतारेंगे, तो 48 फंदे हम अलग सिलाई पे ऐसे उतार लेंगे, 48 इस पे उतारेंगे, फिर हम राउंड वाली पे ये फ्रंट वाले उतारेंगे। तो ये मैं उतार लेती हूँ। अब ये देखिए, ये हमने बाजू के फंदे उतार लिए। अब हमने ये फ्रंट पार्ट के फंदे, जो राउंड वाली नीडल है जिसमें हमने बैक पार्ट के उतारे थे, अब इसी पे हमें फ्रंट पार्ट के फंदे 37 हैं तो इनको ऐसे उतार लेंगे। तो ये मैं उतार लेती हूँ, फिर आगे सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, सीधी सिलाई पे आ गए हम। तो सीधी सिलाई पे पहले ये जो हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे हैं इनको हम यहाँ तक इस सिलाई में ले लेंगे और फिर हम बाजू बनाना पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हमने ये 7 फंदे, तो जो हमारा ये पर्पल कलर है उसी से बनाएंगे, 6, 7 धागा पीछे करेंगे। अब आगे वाले फंदे हम सीधे लास्ट तक इसमें उतार लेते हूँ फिर दिखाते हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट तक हमने बना लिया, तो 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 ऐसे दोनों साइड पे हमने 2 2 फंदे बढ़ाने हैं, देखिए 1 और 1, 2 हमने ये फ्रंट पार्ट में बढ़ा लिए। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको नहीं अब बनाएंगे, दूसरी सिलाई लेंगे और ये अपना बाजू बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बाजू कैसे बनाएंगे देखिए, बाजू के लिए भी हम पहले 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा देंगे पहले, जैसे भी आपको फंदे बढ़ाने आते हैं, उल्टी सिलाई से बढ़ाती हूँ। एक
अरे दो। अब यहीं से हम इनको बनाना स्टार्ट करेंगे और ये वाला हम यहीं पे छोड़ देंगे, फ्रंट वाला। इस सिलाई में अब हम ये फंदे नहीं बढ़ाएंगे, ये हमने इस सिलाई में बढ़ा दिए। अब यहाँ पे हम, नहीं तो ये अलग सा आ रहा है, यहाँ पे ये फंदे हम यहाँ से उतार देते हैं। जब हम ये साइड बनाएंगे तब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। पहले ये सिलाई हम ऐसे बना लेंगे। जब हम यहाँ से उल्टी सिलाई पे आएंगे तो दो फंदे हम बढ़ाएंगे, अभी यहाँ पे बढ़ाएंगे हम, नहीं तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा आ रहा है। तो मैं आगे दिखाती हूँ, पहले पूरे फंदे ऐसे बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक फंदा हम यहाँ बढ़ा देंगे, एक यहाँ, क्योंकि 48 फंदे हैं तो हमने 50-50 ही फंदे काफ़ी हैं बाजू के लिए, तो एक फंदा यहाँ बढ़ा लिया। अब उल्टी सिलाई पे हम यहाँ आएंगे तो यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही आप एक एक ही फंदा बढ़ाइए, सारी जगह हमारे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे फिर। और ये देखिए, अब हमने ये 6-7-8 इंच जितने आपने अपने बच्चे के लिए कार्डिगन बना रहे हैं उसी हिसाब से बाजू बना लीजिए बच्चे के नाप की, या तो आप बाजू नाप के इसमें देख सकते हैं, या जितना मैं बना रही हूँ अगर उतना बनाओगे तो मैं बाद में बताती हूँ। ये बाजू बना लेती हूँ फिर दूसरी पे बताऊँगी। सिर्फ इसको हमने आगे तक ऐसे ही सीधा उल्टा ही बनाते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। जब हम ऐसा बॉर्डर बनाएंगे आगे इस कलर का, तब हम फंदे घटाएंगे। सिर्फ हम यहाँ पे 37 या 35 फंदे छोड़ेंगे, बाकी हम घटा देंगे सारे फंदे। जब हम ए वाला कलर यहाँ पे बॉर्डर पे लगाएंगे तब हम फंदे घटाएंगे, बाकी 50 फंदों को ऐसे ही आगे तक हम बनाते जाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ फिर दूसरा दिखाऊंगी।